हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो बल और दाब के अंतिम भाग भाग तीन के ऊपर है। भाग एक और दो में हमने बल, उसके प्रकार और उसके उपयोगों के बारे में विस्तार से जाना। इस भाग में हम मुख्यतः दाब और उसके हर एक पहलू के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे दाब की परिभाषा, बल और दाब में क्या संबंध है, और तरह तरह के दाब, जैसे द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड प्रेशर, और वायुमंडलीय दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब, जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, को परिभाषित करने के लिए हमें उस क्षेत्रफल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिस पर बल लगाया गया है, क्योंकि किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब का विवरण देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे पास्कल, इसीलिए उनके सम्मान में दाब की इकाई को पास्कल कहा जाता है, और वैज्ञानिक तौर पर दाब को पी चिन्ह से दर्शाया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर बल और दाब को जोड़ने वाला सूत्र है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यह वह क्षेत्रफल है जिसके लंबवत बल लगाया गया है। ध्यान दीजिए कि इस सूत्र में बल और क्षेत्रफल आपस में लंबवत हैं। आपने गौर किया कि दाब के वैज्ञानिक सूत्र में जो बल और क्षेत्रफल की बात की गई है, दोनों ही सदिश राशि होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी, जिनका उल्लेख देने के लिए उनकी दिशा का विवरण भी देना पड़ता है। परंतु दाब एक प्रकार की अदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब दाब की कोई दिशा नहीं होती, और दाब का विवरण देते समय सिर्फ इसके परिमाण की ही बात की जाती है। अब जानते हैं कि दाब का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। सबसे पहले तो दाब बल के साथ साथ उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस पर बल लगाया जाता है। जैसे किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? और सब्जियों को किसी कुंठित चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए, क्या आपको इनमें अंतर समझ में आता है? ये दोनों बताते हैं कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है, और दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा, उस पर दाब उतना ही अधिक लगेगा। दोस्तों, सिर्फ ठोस चीजें ही नहीं बल्कि द्रव तथा गैस भी दाब डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। द्रव या गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं, और वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। उदाहरण के लिए एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसके निचली दीवारों पर एक छेद करके उसमें पाइप फंसाकर उसके दूसरे मुंह पर एक गुब्बारा फंसा दीजिए। जब आप प्लास्टिक की बोतल में पानी भरेंगे तो पानी पाइप के जरिए गुब्बारे में जाने लगेगा। इसका मतलब द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जितने नीचा छेद है उतना पानी आगे जाता है। इसका मतलब द्रवों का दाब नीचे आने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अगर आप एक गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा हर तरफ से फूल जाता है। इसका मतलब वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। अब जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से
कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की कल्पना गुरुत्वाकर्षण बल से हो सकती है। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब असल में है कितना, यानी इसका परिमाण कितना है? अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, तो आपके सिर पर वायु कितना बल लगा रही है, वही वायुमंडलीय दाब है। एक 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के स्तंभ में वायु के द्वारा लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी 2250 न्यूटन के बराबर होता है। परंतु इतने ज्यादा बल के नीचे दबकर हम पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो कि बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। वायुमंडलीय दाब कितना शक्तिशाली होता है, इसका प्रदर्शन करने के लिए 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप के जरिए उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो अर्ध गोले लिए, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की सारी वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े लगाए, जो विपरीत दिशा में उन पर बल लगा रहे थे। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने सारे घोड़े भी वे दो अर्धगोले को अलग ना कर पाए। इस चित्र में आपको वायुमंडलीय दाब की अधिकता का विचार होगा। यह आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह उस पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए, तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। दोस्तों, अब इस विषय के अंत में हम ये जान लेते हैं कि बल और दाब के इस विषय में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा, बल का मतलब है धक्का देना यानी अपकर्षण, या खींचना यानी अभिकर्षण। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही लगता है। बल सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बल को इंग्लिश में एफ चिन्ह से दर्शाया जाता है और इसकी इकाई यानी यूनिट न्यूटन होती है। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था तथा आकृति दोनों को ही बदल सकता है। बल वस्तु से संपर्क बना के अथवा बिना संपर्क बनाए भी लग सकता है, यानी यह दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। दाब में हमने सीखा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब को इंग्लिश में पी चिन्ह से दर्शाया जाता है
और इसकी इकाई यानी यूनिट को पास्कल कहते हैं। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं और वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है और हमारे चारों ओर की वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। धन्यवाद।